सो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए फिर से कुछ एंड्रॉइड एप्लीकेशन और कस्टमाइजेशन लेके आ गए, जो कि आपको अपने फोन में एक बार जरूर ट्राई करना चाहिए। इसमें जो भी एप्लीकेशन है वो तो काफी बढ़िया है ही, और जो साथ में कस्टमाइजेशन है वो काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक का है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको बताते हैं कौन सा एप्लीकेशन है और आपको अपने फोन के होम स्क्रीन कैसे कस्टमाइज करना है। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोग हमारे इस फोन की होम स्क्रीन देखिए, यहाँ पे आपको काफी अलग तरह का लुक देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो वॉलपेपर है वो भी काफी ज्यादा यूनिक देखने को मिलेगा, जो आइकन पैक है भी आपको काफी यूनिक देखने को मिलेगा, और यहाँ पे जो सिंबल है वो भी आपको काफी ज्यादा अलग तरह का देखने को मिलेगा। और ऐसे भी नहीं जो सिंबल है काम नहीं कर रहा है, यहाँ पे सारा सिंबल काम कर रहा है। जैसे मान लीजिए हमको फेसबुक ओपन करना है, सिंपली हम फेसबुक पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे हमारा फेसबुक ओपन हो जाएगा। ऊपर आपको नोटिफिकेशन बार भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे आपके फोन में जितना भी नोटिफिकेशन आएगा सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। नीचे कुछ एप्लीकेशन और एक सर्चिंग बॉक्स भी देखने को मिलेगा। इसका भी जो डिजाइन है काफी अलग का डिजाइन है, और यहाँ पे आपको डेट और टाइम भी देखने को मिलेगा। पूरा जो होम स्क्रीन का डिजाइन है काफी यूनिक डिजाइन है। तो अगर आपको भी अपने फोन के होम स्क्रीन कुछ इस तरह से डिजाइन करना है तो यहाँ पे आपको चार एप्लीकेशन और एक वॉलपेपर की जरूरत पड़ेगी। एप्लीकेशन में नोवा लॉन्चर, ब्लैक एंड व्हाइट आइकन पैक और एक KWGT और एक फेस्ट KWGT, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, आप लोग इसको वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको वॉलपेपर को अपने होम स्क्रीन पे अप्लाई कर लेना है। आपको अपने फोन के होम स्क्रीन में इस वॉलपेपर को अप्लाई कर लेना है। इसके बाद आपको नोवा लॉन्चर वाले एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ से आपका सारा काम होगा। इसी एप्लीकेशन से आपका सारा काम होगा। आपको क्या करना है, डायरेक्ट आपको नीचे आ जाना है, फिर यहाँ पे आपको टिक पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको फिर से नोवा लॉन्चर वाले एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। इसके बाद जो नोवा लॉन्चर होगा आपके फोन में अप्लाई हो जाएगा। अब यहाँ पे कोई भी सेटअप वगैरह नहीं हुआ है, आइकन पे अप्लाई नहीं हुआ है, यहाँ पे अभी सिंपल दिख रहा होगा, आपको पूरी तरह से इसको सेटअप करना पड़ेगा। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको नोवा सेटिंग पे क्लिक करना है, फिर आपको लुक एंड फील पे क्लिक करना है, फिर आपको आइकन स्टाइल पे क्लिक करना है और आपको आइकन थीम पे क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे आपको न्यू वन ब्लैक एंड व्हाइट थीम देखने को मिलेगा, आपको सिंपली इसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आपको यहाँ पे फोल्डर देखने को मिलेगा, सिंपली आपको फोल्डर पे क्लिक कर लेना है, फिर आपको आइकन लेआउट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो यहाँ पे लेबल है इसको आपको ऑफ कर देना है। इसके बाद आपको बैक आना है, बैक आने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं जो आइकन पैक है यहाँ पे अप्लाई हो चुका, हमारे फोन पे आइकन पैक अप्लाई हो चुका। अब आपको क्या करना है, नीचे आपको एक लाइन एप्लीकेशन रख लेना है, नीचे जो एक लाइन होगा आपको उसी एक लाइन में एप्लीकेशन रखना है, बाकी सारे को आपको रिमूव कर देना है। आपको इसको कुछ इस तरह से सारे एप्लीकेशन को यहाँ से रिमूव कर देना है। इसके बाद आपको नीचे एक सर्चिंग बॉक्स देखने को मिलेगा, आपको इसको कस्टमाइज करना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली आपको सर्चिंग बॉक्स को प्रेस करके रखना है और यहाँ पे आपको कॉन्फिगर पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद जो वायर फ्रेम है इसको आपको ऑन कर लेना है, फिर यहाँ पे कॉर्नर रेडियस है आपको इसको कम कर देना है, इसको आपको कम करके स्क्वायर में कर देना है, फिर आपको बैक आ जाना है। बैक आने के बाद आपको होम स्क्रीन पे प्रेस करके रखना है, फिर आपको नीचे आना है, विजिट पे आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद यहाँ पे कस्टम विजिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको इसको स्लाइड करना है। इसको आपको सिलेक्ट करके जो 4x4 वाला साइज है आपको इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आपको होम स्क्रीन पे लाके इसको रख देना है, फिर आपको क्रिएट पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको क्लिक टू सेटअप पे क्लिक करना है, फिर आपको लेट्स गो पे क्लिक कर लेना है, फिर आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको इसकी परमिशन को अलाउ कर लेना है। इसके बाद आपने जो फेस्ट KWGT वाला एप्लीकेशन इंस्टॉल किया था आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा, सिंपली आपको इस पे क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको बहुत सारा विजिट देखने को मिलेगा, यहाँ पे इस एप्लीकेशन में आपको बहुत सारा विजिट देखने को मिलेगा। आपको जो भी अप्लाई करना होगा आप लोग इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं। मैं जो अप्लाई किया उसको अगर आपको अप्लाई करना है तो आपको थोड़ा सा नीचे आना है, फिर यहाँ पे आपको विजिट देखने को मिलेगा, सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना है। इसके बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको उसकी परमिशन को अलाउ कर लेना है। इसके बाद अगर आपको इसमें कुछ कस्टमाइज करना है तो आप लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा ऑप्शन देखने को मिलेगा। हम यहाँ पे इसकी कलर चेंज करने वाले हैं तो सिंपली हम ग्लोबल पे क्लिक करेंगे और आपको जो पिंक कलर है आपको उसको सिलेक्ट करना है, और जो बैकग्राउंड में आपका वॉलपेपर है उसके कलर से आपको इसको मैच कर देना है, फिर आपको अप्लाई पे क्लिक कर लेना है। इसके बाद ऊपर आपको सेव का ऑप्शन देखने को मिलेगा, आपको सिंपली सेव पे क्लिक कर देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं आपके होम स्क्रीन पे पूरा विजिट यहाँ पे अप्लाई हो चुका। अब आपको क्या करना है, आपको इसको सिलेक्ट करके रखना है और इसके साइज को आपको खींच करके बढ़ा देना है, आपको इसको कुछ इस तरह से खींच करके बढ़ा देना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे पूरा सेटअप हो चुका। अब आपका फोन जो होगा काफी आपको यूनिक लुक में देखने को मिलेगा। तो अगर आप भी अपने फोन के होम स्क्रीन कुछ इस तरह से डिजाइन करना चाहते हैं तो आप इसको ट्राई कर सकते हैं। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है जोल्ट। दोस्तों ये भी एप्लीकेशन काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। ये जो एप्लीकेशन है एक डायलर टाइप का और इनकमिंग कॉल वाला एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको जो डायलर देखने को मिलेगा वो आपको काफी ज्यादा सिंपल मिलेगा, लेकिन जो इनकमिंग कॉल स्क्रीन देखने को मिलेगा वो आपको काफी ज्यादा नेक्स्ट लेवल तक का मिलेगा। इसमें आपको लगभग 7-8 इनकमिंग कॉल स्क्रीन स्टाइल देखने को मिलेगा। आपको जो भी अप्लाई करना होगा आप लोग इसको यहाँ से अप्लाई कर सकते हैं, और इसमें आप बटन वगैरह भी कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एड कॉल का हो गया, मर्ज कॉल का हो गया, होल्ड का हो गया, कीपैड हो गया, म्यूट हो गया, स्पीकर हो गया, एंड हो गया, इन सारे बटन को भी आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया कॉल वाला एप्लीकेशन
एप्लीकेशन है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसके लिए आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, सबसे पहले आपको प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को आपको इंस्टॉल कर लेना है। इंस्टॉल करने के बाद आपको इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेना है। एप्लीकेशन ओपन होने के बाद इसका इंटरफेस कुछ इस तरह का देखने को मिलेगा। इसके बाद आपको गेट स्टार्टेड पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद आपको इनेबल पर क्लिक करना है, फिर आपको जोल्ट वाले एप्लीकेशन को सिलेक्ट करना है और आपको सेट डिफॉल्ट पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद यहाँ पे आपको तीन ऑप्शन देखने को मिलेगा, स्टाइल, बैकग्राउंड और नेक्स्ट। सिंपली आपको क्या करना है, स्टाइल पर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको सात स्टाइल देखने को मिलेगा। इनकमिंग कॉल का यहाँ पे सात स्टाइल देखने को मिलेगा, आपको एक एक करके इसको देख लेना है। जो भी आपको पसंद आ रहा है आपको उसको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे पहला वाला जो है काफी बढ़िया लग रहा है, हम इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। इसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद फिर आपको बैकग्राउंड पर क्लिक करना है और यहाँ से आप अपना फोटो एड कर सकते हैं। यहाँ पे आप एप्लीकेशन से भी फोटो एड कर सकते हैं, अपना भी फोटो एड कर सकते हैं और डिफॉल्ट भी रख सकते हैं। हम इसको डिफॉल्ट ही रहने देते हैं। इसके बाद आपको नेक्स्ट पे क्लिक कर लेना है। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ परमिशन मांगेगा, आपको इसकी परमिशन को अलाउ कर लेना है। तो चलिए हम इसकी परमिशन को अलाउ कर लेते हैं। परमिशन अलाउ करने के बाद एप्लीकेशन यहाँ पे पूरी तरह से ओपन हो जाएगा। यहाँ पे रिसेंट जो भी कॉल वगैरह होगा सारा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। साइड में आपको कॉन्टेक्ट वगैरह भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको एक डायल पैड भी देखने को मिलेगा। ये जो डायल पैड है काफी सिंपल है। इसके बाद आपको क्या करना है, सिंपली आपको थ्री लाइन पे क्लिक करना है। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, कस्टमाइज कॉल स्क्रीन। सिंपली आपको इसको क्लिक कर लेना है। इसके बाद आप लोग यहाँ से अपने कॉल स्क्रीन को पूरी तरह से कस्टमाइज कर सकते हैं। जैसे आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे आप लेआउट को भी चेंज कर सकते हैं। फिर यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं, हम इसको पहले भी आपको बता चुके हैं। यहाँ से आप स्टाइल भी चेंज कर सकते हैं। बटन को भी आप यहाँ से कस्टमाइज कर सकते हैं, जैसे आपका कीपैड हो गया, म्यूट हो गया, स्पीकर हो गया, एंड कॉल हो गया, एंड कॉल हो गया, मैनेज हो गया, होल्ड हो गया, सारा बटन आप यहाँ से कस्टमाइज भी कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है रिंगटोन, आप यहाँ से रिंगटोन भी अप्लाई कर सकते हैं। तो काफी बढ़िया कॉल वाला एप्लीकेशन है, आपको इसको जरूर ट्राई करना चाहिए। तो इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट एप्लीकेशन है इसका नाम है AI वॉल आर्ट। दोस्तों ये भी एप्लीकेशन काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। इस एप्लीकेशन में आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिलेगा। आपको जो भी अपने फोन में अप्लाई करना है या फिर आपको डाउनलोड करना है आप लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा वॉलपेपर देखने को मिलेगा और इसमें आपको जितना भी वॉलपेपर देखने को मिलेगा सारा आपको 4K में देखने को मिलेगा और काफी अच्छा क्वालिटी में देखने को मिलेगा। वैसे आपको नहीं पता चलेगा, जब आप इसको जूम करेंगे तब आपको पता चलेगा ये जो वॉलपेपर है काफी अच्छा क्वालिटी में है। और इसमें ज्यादातर वॉलपेपर AI जनरेटेड वॉलपेपर है। आपको जो भी डाउनलोड करना होगा या फिर आपको अप्लाई करना होगा आप लोग इसको यहाँ से कर सकते हैं। साइड में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको फोल्डर भी देखने को मिलेगा। यहाँ से आप फोल्डर से भी वॉलपेपर सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह का बहुत सारा फोल्डर भी देखने को मिलेगा। जैसा भी आपको वॉलपेपर चाहिए आप लोग इसको यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो वॉलपेपर वाला एप्लीकेशन है काफी बढ़िया एप्लीकेशन है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइए। हम मिलते हैं आपसे किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए।